अब देखो एक दिक्कत हो गई है ना, अब मैं इसको ऐसे करके ढाल तो सकता हूँ, ओए, और अगर मैं रिस्क ले लूँ फिर मुझे धक्का मारना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अबे यार रुको, अब मैं इसमें भराता हूँ, रुको। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 9:56 और आज का जो मेरा प्लान है वो है अपने स्कूटर का जो है माइलेज टेस्ट करने का। मैंने अभी तक नहीं किया, मुझे मतलब पता है, अंदाज़ा तो है वैसे, बट मतलब एकदम श्योर नहीं हो कि मैं कितना है कितना नहीं है। बाकी ये देखो अभी मतलब मेरी स्कूटी का तेल बिल्कुल खत्म हो चुका है, घर से मतलब लिटरली स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। अभी थोड़ा रिजर्व हो गया शायद से थोड़ा सा तेल, अब यहाँ थोड़ा सा आगे में मतलब 2 किलोमीटर आगे में यहाँ पे फ्यूल पंप है, तो वहाँ से मैं फटाफट फ्यूल मतलब इस बोतल में भरवा लूँगा और 1 लीटर का मतलब माइलेज देखूँगा 1 लीटर में मतलब कितना किलोमीटर स्कूटर चल पाती है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ यार स्कूटी यार पेट्रोल पंप तक भी बंद ना हो जाए, और होप कि वो पेट्रोल वाले अंकल मुझे यहाँ पे बोतल में फ्यूल दे दे। और आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई आ रही, मतलब अजीब टाइप की हो गई आ रही, क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड है 3-4 दिन से। तो रहे 1 लीटर तेल, 1 लीटर करना है, 1 लीटर बस। ये लो भाई 1 लीटर तेल मिल गया, अब जहाँ पे स्कूटी बंद होगी वहाँ पे भर लेंगे। ये सो फाइनली 1 लीटर फ्यूल यहाँ पे मिल चुका है, और अब मुझे ये नहीं पता गाड़ी कहाँ पे बंद होगी, चलो कहीं पे भी बंद हो जाए, बट यहाँ पे फ्यूल तो मेरे पे है। अब जब पूरी बंद हो जाएगी मतलब पूरी मतलब जब बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तब मैं इसमें फ्यूल ढालूंगा पूरा। देखो भाई मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ वैसे, है ना, मतलब पेट्रोल पंप से 2-3 किलोमीटर आगे, और मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, मतलब बहुत कम। अब मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा झटके मार रही है, अभी तो चल रही है ये देखो, मतलब थोड़ा बहुत रहता है ना हिल हुल के, मतलब चल जाता है थोड़ा बहुत फ्यूल जो अंदर रहता है डिग्गी में, तो थोड़ा चल जाता है। ये देखो अभी तो चल रही है, देखो अभी नहीं मार रही उतने झटके, कभी कभी मार रही है। और जहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा ये देखो, अभी 5425 किलोमीटर चल चुकी है, और ये 25 से ज़्यादा 26 या 27 तक होगा, उसके बाद तो गारंटी है कि गाड़ी बंद हो जाएगी। ओहो, मुझे लग रहा है अब तो तेल ख़त्म होगी। ये देखो 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 वो चल रही है, ये देखो नहीं 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 हो गया भाई, ख़त्म हो गया। ओ देखो 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 झटके मार रही है गाइस, अब लास्ट एंड तक जितना तक चलेगा। ओ नहीं चलेगी, अब तो नहीं चलने वाली है। देखो ए भाई ये कहाँ हो गई भाई, ये देखो अब भाई अब तो नहीं चलने वाली है, आ रही है पा रही कि यहाँ सामने पे हो गई भाई, अब तो मैं ढाल, ओहो हो गया भाई, अब इससे ज़्यादा तो नहीं चलने वाली है, तो इसलिए मैं ओ भाई कितने गंदी झटके मार रही है, चल रही है यार वाह, अरे वाह, ये देखो झटके मार मार के चल रही है गाड़ी, क्योंकि ये देखो ख़त्म हो गया पूरा तेल, अगर आपको पता चल रहा होगा। यहाँ देखो ये देखो स्पीड देखो मैंने, ये देखो यार देखो, अब तो मैं ढाल रहा हूँ, अब नहीं चलने वाली है, अब मैं यहाँ पे फ्यूल अप कर देता हूँ। ओ भाई टंकी देखो पूरी सूखी हो गई, वाह अमृत। अब है कैसे ढालूँ इसको, अब तो ऐसे पड़ेगा भी नहीं यार शायद से, अब यार अब देखो एक दिक्कत हो गई है ना, अब मैं इसको ऐसे करके ढाल तो सकता हूँ, ओए पर ये देखो यहाँ से मुझे एक वो चाहिए था यार ऐसे। अब देखो मैं एकदम से झटके से ढालता हूँ इसको, ओह ओहो थोड़ा बहुत गिर गया, चलो कोई नहीं चला गया, थोड़ा सा गिरा बस, अब होगा इसका माइलेज स्टार्ट अच्छे से, पूरा 1 लीटर है ये। अब ये बोतल काम तो आएगी, फिर से भरूंगा इसमें फ्यूल। यहाँ देखो ये है अभी 5426 किलोमीटर, तो अब यहाँ से 26 से मतलब काउंट करूंगा मैं, मुझे पता है 5426, अब यहाँ से चलते हैं देखते कितना किलोमीटर स्कूटी चल पाती है 1 लीटर में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्यूल अप कर दिया है ना, अब देखते हैं 1 लीटर में कितना चलेगी। मेरे हिसाब से ज़्यादा 50 या फिर इतने तक का माइलेज ही देगी। अब देखो माइलेज डिपेंड होता है आपकी मतलब कैसे आप राइड करते हो स्कूटी को, कई सारे बंदे होते हैं कि मतलब प्रॉपर एकदम गंदी तरीके से गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसमें माइलेज में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं अच्छी खासी गाड़ी चलाता हूँ, लाइक कॉलेज भी जाता हूँ तो आराम से जाता हूँ, मतलब 40-45 की स्पीड पर है ना। देखो ये रहती है 40 तक की, मतलब इस पर इकोनॉमी तक रहती है, ठीक है, अगर 40 की स्पीड पर है तो इकोनॉमी तक रहेगी, उसमें थोड़ा मतलब कम फ्यूल मतलब खर्च होता है। बाकी अगर आप 70-80 पे चलाओगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, ये भैया ने इंडिकेटर दे रखा है, पर चल तो सीधे रहे क्या कहें। यहाँ देखो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब 5426 तो मतलब 0.6 था, अब 5427 से शुरू होगा, अब 27 से मतलब जितना भी किलोमीटर चलेगी तो उतना फिर मैं बाद में काउंट कर दूंगा कि कितना तक का माइलेज देगी। अब देखो ये जो माइलेज टेस्ट होगा मेरे स्कूटर का, ये होगा मतलब ये देखो सिटी का, मतलब ऐसे कोई नॉर्मल रोड पर नहीं है कि खाली रोड है, पूरी बस चलते जा रहा हूँ। इसमें पूरा मतलब जो भी सिटी में होता है जहाँ पर ट्रैफिक लगता है, थोड़ा सा रुक रुक के चलते हैं, कभी तेज़ चलते हैं, तो ऐसा वाला मतलब माइलेज टेस्ट होगा सिटी का। अभी तो खैर मैंने गाड़ी बंद की है, और बाकी आज का वेदर अच्छा है, वरना देहरादून में 2-3 दिन से इतना गंदा धुंध पड़ी हुई है, अरे
वरना यहाँ देहरादून में दो तीन दिन से इतनी गंदी धुंध पड़ी हुई, लिटरली मैंने परसों कपड़े धोए थे वो तीन दिन से सूखे नहीं यार। वो वैसे भी सर्दियों के कपड़े मोटे होते हैं, स्वेटर वूडी वगैरह, तो दो तीन दिन मतलब एक दो दिन तो मैक्सिमम लगते हैं, बट वो पिछले तीन दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं सूखे। आज अच्छी खासी धूप है तो आज तो सूख जाएंगे वो अच्छे से। 31st आ रहा है तो मसूरी साइड मतलब जो मेन रोड होता है, जो मेन रूट है मसूरी का, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी लगी हुई। मतलब एक ये वाला रूट भी है आई थिंक, हाँ यहाँ से भी जाते हैं मसूरी, और एक दूसरा वाला रूट भी है मसूरी का, तो बहुत गंदा वो रहता है, वह ट्रैफिक इतना ज़्यादा रश। खेस तो दिस इज होंडा डियो BS6 वर्जन, मतलब ये नई वाली होंडा डियो है, और होंडा डियो में भी हर किसी होंडा का मतलब अलग अलग माइलेज हो सकता है, क्योंकि कोई मतलब फर्स्ट सर्विसिंग की बात करता है, कोई सेकंड सर्विसिंग, और मेरी मतलब तीनों सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं इसके बाद कर रहा हूँ, और फिर भी उसके बाद भी हर किसी का अलग अलग आ सकता है, क्योंकि स्पीड पर भी डिपेंड होता है। अब देखो मैं जैसे चलता हूँ 30-35 मैक्सिमम 50 तक जाऊँगा, बाकी और कोई कोई होता है कि 70-80 तो उनका माइलेज थोड़ा कम आएगा, बाकी मेरा थोड़ा अलग आएगा, उनका थोड़ा अलग आएगा। खेस सो अभी मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 27 से 37 हो चुका है, मतलब 27 से 37 हो चुका है। भी मेरी गाड़ी चल चुकी है 5450, मतलब मैं तो भूल भी गया कितने 27 पे था ना, तो 27, 30, 40, 50 मतलब 23 किलोमीटर तो चल चुकी है, और हमारे आगे जा रही है नैनो। और हाँ मैंने यहाँ पे मतलब एक इंस्टाग्राम वगैरह पे एक पोस्ट वगैरह तो देखी थी कि नई वाली जो नैनो है वो लॉन्च हो रही है, और बहुत मस्त लग रही थी वो नैनो। बाकी ऑल सेट, अभी देखो इतने सारे लोग मसूरी जा रहे हैं, यहाँ देखो चंडीगढ़, ये तो उत्तराखंड वाले हैं, बट बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मतलब बहुत सारी पुलिस वगैरह भी लगी है, पुलिस मतलब पुलिस वगैरह लगे हैं, ये ट्रिपलिंग वाले ये तो यहीं के हैं, ये गुच्छू पानी होंगे पक्का जा रहे हैं। खेस मैं अभी यहाँ पे मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, और कुछ दिन तक यहाँ पे मोटो व्लॉग नहीं आएगा ऐसे, वैसे मैं व्लॉग बहुत कम ही डालता हूँ, मतलब है ना, मतलब 8-8 दिन बाद 9-9 दिन बाद। देखो मेरा मन तो करता है मेरी आवाज़ ही खराब हो गया, ये मेरा मन तो करता है, बट एक मतलब ऐसा होता है ना कि हमेशा हमेशा घूमने नहीं जा सकते, और हमेशा हमेशा व्लॉग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अभी, है ना, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, मैं बनाने के लिए हमेशा बना सकता हूँ, बट एक इशू ये रहता है कि फिर मैं घर के व्लॉग नहीं बनाना चाहता, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है वैसे, है ना, तो बस यही इशू रहता है। और मैं क्या कह रहा था, तो हाँ मैं कुछ दिन तक मोटो व्लॉग नहीं करूंगा, क्योंकि गाड़ी मेरी इधर ही रहेगी, कॉलेज वगैरह की छुट्टी पड़ रही है, तो या मैं काफी टाइम से घर नहीं गया, तो मैं आप घर चले जाऊंगा, है ना, तो वहां अगर देखूंगा मेरा मन करेगा तो मैं व्लॉग करूंगा, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं व्लॉग नहीं करूंगा, वहां से सीधा आने के बाद मतलब एक दो हफ्ते आने के बाद ही यहाँ पे व्लॉग करूंगा। बाकी माइलेज तो अभी हमारा टेस्ट हो ही रहा है, अभी ये देखो ये यहाँ पे 5458 किलोमीटर ही चल चुकी है अभी, पता नहीं अब कितना चलेगी, जब तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 किलोमीटर ही चलेगी, मेरे हिसाब से 50 तक का माइलेज आ जाएगा, है ना, और अगर 50 से ऊपर का आ गया तो तब तो भाई बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छी है, मैं तो तब हर किसी को रेकमेंड करने वाला हूँ ये स्कूटर। और मैं इसमें ना बहुत सारे मतलब अगर आपको होंडा डियो से रिलेटेड और भी वीडियोस वगैरह अगर चाहिए होंगी, मतलब रिव्यू या फिर कुछ और वीडियोस वगैरह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हाँ अंकल हॉर्न वॉन तो मान लो, तो या प्लीज़ कॉमेंट। ओके गाइज, तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा देर तक मतलब ऐसे मेरा काम वाम था, तो मैंने थोड़ा वो निपटा दिए थोड़ा, है ना, तो अभी मेरी स्कूटर चल चुकी है 5477, और मैंने ये मतलब फ्यूल कब कराया था, 27 पर कराया था ना, तो 27 37 37 47 57 67 60, तो मतलब 50 किलोमीटर, हाँ तो मतलब 50 किलोमीटर तो ये चली चुकी है, मतलब 1 किलोमीटर में अभी तक 50 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी अगर जो दूसरी स्कूटीज वगैरह रहती है एंटॉर्क वगैरह, हाँ तो उनका माइलेज इतना नहीं है, उनका 40, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, है ना, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता उसका बहुत कम है, मतलब हाँ उस हिसाब से तो कम है। अब ये देखो 50 किलोमीटर ये चल चुकी है, अब देखते हैं आगे कितना चलती है, 50 अगर प्लस, मतलब मैंने बोला था अगर 50 प्लस चल गई तो बहुत अच्छी है, मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, है ना, बाकी देखते हैं कितना तक चलती है, 50 तो चल गई है। और हाँ यार ये मतलब अब भाई मैं तो ये बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा चल जाए, क्योंकि मेरे गाड़ी में फ्यूल है भी नहीं, मतलब जितना सुबह को 1 लीटर में ढलाया था उस टाइम से देखो 50 किलोमीटर से यही चलती जा रही है, चलती जा रही है। बाकी अब यहाँ से फ्यूल पम्प है 6 किलोमीटर तक, 6-7 किलोमीटर इतना का ही फ्यूल पम्प है। ओ भाई साहब यहाँ देखो कितनी लंबी लाइन लगी थी यहाँ तक, ये देखो सारे मसूरी वाले रूट के लिए है, मसूरी वाले रूट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी, चेकिंग वगैरह भी हो रही होगी शायद से, है ना, इतनी ज़्यादा जगह पे बैरिकेटिंग वगैरह कर रखी है। बाकी ठंडो ठंडो लग रहा है ठंडो। अब ये देखो मेरे फ्यूल की बोतल बिल्कुल खाली है, अब यहाँ पे आके देखो मैंने बोला था 4-5 किलोमीटर बाद यहाँ पे फ्यूल पंप तो है, अगर वहाँ तक चल गई तो बहुत अच्छी बात है, एक तो माइलेज भी बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, और स्कूटी में धक्का भी नहीं मरवाना पड़ेगा किसी से, ये मारना पड़ेगा, है ना। अभी देखो 53 किलोमीटर चल चुकी है 1 लीटर में, अभी झटके हल्के हल्के लगने लग चुके हैं इस गाड़ी के, है ना, ये बोलने मतलब बोलने लग गई है आपकी, बस बस मालिक इतना ही करो 50। हाँ अब यहाँ ट्रैफिक देखो ना,
ये यहाँ पे मतलब मेन रूट है, यहाँ से मसूरी इधर के लिए भी जाते हैं, आगे से भी जा सकते हैं, जो मतलब दिल्ली वगैरह वाले आते हैं वो सारे इधर से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो इस रोड पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ आगे पे फ्यूल पंप आ गया। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा मैं फ्यूल भराऊँ या ना भराऊँ। अब देखो अगर मैं भरा दूँ फिर मुझे माइलेज का पता नहीं चलेगा कितना है, ठीक है, और अगर मैं रिस्क ले लूँ फिर मुझे धक्का मारना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ देखता हूँ। इसी वाले रूट पे मतलब एक फ्यूल पंप ये है और एक इससे जस्ट आगे मतलब 500-600 मीटर आगे पे, तो शायद आगे वाले से भराऊँगा। अगर इतना हो गया तो यार आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना। अब मुझे खुद से भी माइलेज देखना है, इसलिए मैं आगे वाले पे भराऊँगा, इस वाले को थोड़ा बाई करता हूँ, मतलब रिस्क तो ले रहा हूँ मैं थोड़ा। अभी ये गाड़ी टोटल 54 किलोमीटर चल चुकी है ना, और जो इसमें मतलब खुद से दिखाता है ये 56 का एवरेज दिखाता है इसमें, और मैं लिटरली मैं श्योर नहीं था कि 56 सच में चलता होगा या फिर ऐसा, मतलब हो सकता है मतलब ये मशीन वगैरह तो गलत दिखा सकती है, बट यार मुझे लग रहा है कि चल जाएगा पक्का 56, और चल भी जाएगा यार। देखो उतने झटके भी नहीं मार रही, मतलब एक दो तो मारते हैं, एक दो जब स्टार्टिंग में झटके लगते हैं उसके बाद कुछ किलोमीटर तो गाड़ी चली जाती है, बाकी अभी तो अच्छी चल रही है एकदम मक्खन। ये देखो अच्छी सी है, देखो अब जब यहाँ पे 81 है, 5481, जब ये 83 हो जाएगा तब इसके 56 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ यार इस वाले फ्यूल पे, मतलब भरवाना तो है मुझे। अब मैं ये सोच रहा हूँ बोतल में भरवाऊँ या इसमें भरवाऊँ। 82 हो गया देखो, अबे यार रुको अब मैं इसमें ही भरा था, ये बंद हो गए, ओ भाई झटके लग रहे, हो गया के इसे देखो मैंने मतलब फ्यूल पंप इसमें भरा लिया, क्योंकि अगर मैं बोतल में भरवा रहा हूँ इसे मैंने पहले भी भराया था तो वो ना थोड़ा बहुत गिर रहा था, और लिटरली जैसे ही मैंने वहाँ पे मतलब पेट्रोल पंप वहाँ पे गया तो एक और 2-3 झटके इसने मार दिए थे, और मैंने फिर से सेल्फ स्टार्ट करके देखा तो नहीं हुआ। तो मतलब यार इसका जो माइलेज है इतने सुबह से मैं जो यहाँ पे देख रहा था इसका माइलेज पूरा निकला 56 किलोमीटर, मतलब 56 और कभी कभी 57 तक, मतलब बहुत अच्छा माइलेज है यार कसम से। लिटरली इतनी सारी मतलब जो एंटॉर्क वगैरह या फिर और स्कूटीज वगैरह भी उनकी इतनी माइलेज नहीं है यार सच में, 57 मतलब बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी, 56 मतलब 56 प्लस तो है यार, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यार सच में, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 1 लीटर में 56 किलोमीटर चलना है ना। अभी मुझे थोड़ा भूख भी लग रही है, और एक दो काम मेरे और भी हैं, मतलब काम के मेरे सामान वगैरह लेने हैं। अब देखो तो कई सारे लोगों पर 100D होगी, और उन वो भी अगर ऐसा माइलेज टेस्ट करेंगे अगर उनका 56 नहीं आएगा तो देखो मैं पहले बता देता हूँ, मैं अपनी स्कूटी मतलब टाइम टू टाइम सर्विसिंग करा देता हूँ, मतलब एक दिन आगे पीछे भी नहीं छोड़ता, लाइक सर्विसिंग की जो डेट रहेगी मैं उसे 1-2 दिन पहले या फिर मतलब 1-2 दिन बाद, बाकी 1-2 हफ्ते का गैप कभी नहीं रखता। और दूसरी बात मैं बहुत आराम से स्कूटी चलाता हूँ, मतलब इकोनॉमी पे ही चलाता हूँ, मैक्सिमम इकोनॉमी पे, बाकी जब कभी लेट होता है तो मतलब जल्दी जल्दी में चला देनी पड़ती है, बाकी ऐसी चलाता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए मतलब मुझे पता था इतना, मतलब मुझे ऐसा था कि 50 तक का माइलेज तो देगी ही देगी, बाकी मतलब 6-7 किलोमीटर अगर और चल गई तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट बिलो योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। अबे छोटी बच्ची को लगा कि मैं उसे मतलब उससे बातें कर रहा हूँ, मतलब उसे बोल रही है, देखो अभी वो देखते रह रही है, खैर उसने कैमरा भी देखा होगा तो बोल रही है कि क्या लगा रखा भैया ने। ओके सो गाइस बाय 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 बाय।